विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज साचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी जो अष्टफलकीय संरचना वाले यौगिक होते हैं उनका त्रिज्या अनुपात किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो इसका भी एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि समन्वय संख्या और उनके अपेक्षित त्रिज्या अनुपात किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिछले लेक्चर में हमने रेडियस रेशियो की बात की थी, त्रिज्या अनुपात क्या होता है कि किसी भी आयनिक ठोस के अंदर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसको हम रेडियस रेशियो कहा जाता है। धनायन की त्रिज्या का मान बढ़ाने पर या फिर जो रेडियस रेशियो है, त्रिज्या अनुपात है, उसका मान बढ़ाने पर गिरने वाले जो ऋणायनों की संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स अगर रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में उस आयनिक ठोस है उसका कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, यानी जो रेडियस रेशियो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी त्रिज्या अनुपात बढ़ने के साथ साथ समन्वय संख्या भी बढ़ती है। तो हमने कहा था कि जब किसी भी आयनिक ठोस का रेडियस रेशियो ज्ञात करते हैं तो उस रेडियस रेशियो के आधार पर फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता होता है, समन्वय संख्या, और उस समन्वय संख्या के आधार पर उस आयनिक जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर जो संरचना होती है उसका पता लगाया जाता है। तो हमने बात की थी कि यदि किसी भी आयनिक ठोस का रेडियस रेशियो जो त्रिज्या अनुपात है जैसे 0 से लेकर के 0.12 के बीच में आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और ज्यामिति रेखीय होती है, लीनियर होती है। इसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है उसका जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में होता है। इस प्रकार जब रेडियस रेशियो है तो उसका जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है। अतः त्रिज्या अनुपात से समन्वय संख्या का निर्धारण होता है और समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन जो नंबर है समन्वय संख्या से संरचना का निर्धारण होता है। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल संरचना के अंदर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ऐसे आयनिक कंपाउंड की संरचना अष्टफलकीय होती है। तो उस अष्टफलकीय संरचना वाले यौगिकों के अंदर जो त्रिज्या अनुपात इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि इस संरचना में चार जो ऋणायन होते हैं वो एक धनायन एक ही तल के अंदर होते हैं, किसी भी आयनिक ठोस के अंदर जिसके संरचना अष्टफलकीय होती है यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले होते हैं उसके अंदर चार जो ऋणायन है वो तथा एक जो धनायन होता है एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं, जबकि एक एक ऋणायन धनायन तल के ऊपर व नीचे की ओर होता है। इस धनायन के एक ऋणायन ऊपर की तरफ और एक ऋणायन इसके नीचे की तरफ स्थित होता है।
इस प्रकार से जब हम इस अष्टफलक की संरचना का रेडियस रेशियो ज्ञात करें तो इस संरचना के अनुसार धनायन और ऋणायन के अंदर हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पर आप देखें एक ऋणायन है, दूसरा ऋणायन है, तीसरा चौथा ऋणायन है, अंदर इसका धनायन है। तो यहाँ ए से लेकर के यहाँ तक आर माइनस ये ऋणायन की त्रिज्या, इस बी के लिए ऋणायन की त्रिज्या, इसी प्रकार से अंदर धनायन है तो ये आर प्लस धनायन की त्रिज्या होगी, ये भी धनायन की त्रिज्या होती है। तो आप देखें समद्विद बहुत्रिभुज ए बी सी के अंदर जो धनायन की त्रिज्या है वो आर प्लस तथा ऋणायन की त्रिज्या है वो क्या है आर माइनस। तो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहां पर ए बी और बी सी जो लेंथ होती है लंबाई होती है वो इक्वल होती है, इस कारण से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू को क्या कहेंगे हम टू आर माइनस। ए बी क्या है इस ऋणायन ए से लेकर के इस परिधि के बीच का जो त्रिज्या है, और यहां पर भी बी से यहां तक इस ऋणायन की जो त्रिज्या है, तो आर माइनस क्या हो जाएगा टू आर माइनस। तो ए बी और बी सी इक्वल है इसलिए हम ए बी इक्वल टू बी सी को इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आर माइनस हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ए बी और बी सी इक्वल है तो इसको हम टू ए बी स्क्वायर कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू ए बी हो जाएगा, यहां से ए सी स्क्वायर को हटाएंगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट टू ए बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ए सी ये जो विकर्ण है ए और सी इसके अंदर ये आर प्लस और आर प्लस टू आर प्लस यानी धनायन की त्रिज्या प्लस आर माइनस यानी टू आर माइनस, तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या यानी टू आर प्लस प्लस टू आर माइनस इक्वल टू रूट टू आर ए बी है, वो कितना है टू आर माइनस है। अब यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लिया टू तो r प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू हो जाएगा रूट टू इंटू टू आर माइनस, या फिर r प्लस आर माइनस इक्वल टू टू नीचे चला जाएगा तो रूट टू इंटू टू आर माइनस अपॉन टू, टू से टू कट जाएगा तो r प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू रूट टू आर माइनस। अब r प्लस आर माइनस को इधर भेज देंगे तो रूट टू आर माइनस माइनस आर माइनस यानी जो रूट टू आर माइनस ऋणायन की त्रिज्या है ये प्लस आर माइनस का इधर आ जाता है माइनस आर माइनस ऋणायन की त्रिज्या है। आर प्लस इक्वल टू इसमें आर माइनस तो आर माइनस को कॉमन ले लेंगे पीछे क्या रहेगा रूट टू माइनस वन हो जाएगा। अब जब इसको आर प्लस अपॉन आर माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा रूट टू माइनस वन। अब रूट टू है जो अंडर रूट टू है उसका मान कितना होता है 1.414 माइनस वन, तो जो रेडियस रेशियो आएगा आर प्लस आर माइनस यानी आर आर रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात अष्टफलक की संरचना के लिए 1.414 माइनस वन इक्वल टू 0.414। तो इस प्रकार से हम जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वाले आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका रेडियस रेशियो जो त्रिज्या अनुपात होता है वो कितना होता है 0.414 होता है। इसी प्रकार से हमने जो चतुष्फलक की संरचना वाले आयनिक सॉलिड होते हैं उनका भी त्रिज्या अनुपात पिछले जो लेक्चरर था उसके अंदर कैलकुलेट किया था। तो इसका एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है या तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से किस प्रकार जो आयनिक ठोस होते हैं उनका रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इस रेडियस रेशियो की क्या लिमिटेशन है, तो नेक्स्ट देखिए त्रिज्या अनुपात की सीमाएं। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ
रेडियस रेशियो यानी त्रिज्या अनुपात की जो सीमा है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी वास्तविक संरचना होती है उसकी त्रिज्या अनुपात पर आधारित नहीं होती, यानी जो रेडियस रेशियो होता है उससे उसकी जो संरचना होगी वो भिन्न होती है। तो इनमें से क्षार धातु एलाइड जो एल्कली मेटल एलाइड जो होते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इनकी संरचना चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल तथा लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इनकी संरचना घनीय होनी चाहिए, परंतु केवल सीजियम क्लोराइड और सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड होता है उनके संरचना क्यूबिक होती है, बाकी सारे के सारे जो हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अष्टफलकीय होते हैं। तो केवल रेडियस रेशियो से हम उसकी वास्तविक संरचना का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ ऐसे क्षार धातु हैलाइड्स होते हैं जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, इनकी संरचना होती है वो क्यूबिक होती है, पोटेशियम आयोडाइड है, NaI है, इनकी संरचना क्यूबिक नहीं होती, जबकि इनका रेडियस रेशियो होता है वो इसी रेंज के अंदर 0.732 से 1 के बीच में होता है। दूसरा है ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड। इसके अंदर बेरियम और स्ट्रॉन्शियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका त्रिज्या अनुपात बेरियम ऑक्साइड्स के लिए 0.97 और स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड के लिए 0.81 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेडियस रेशियो है वो 0.732 से लेकर के 1 के बीच में है, अतः इनकी संरचना जब रेडियस रेशियो 7.321 से 1 के बीच में होता है तो कैसी होनी चाहिए, क्यूबिक होनी चाहिए, परंतु वास्तव में इनकी संरचना कैसी है, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है। इसी प्रकार से जो कैडमियम और मर्करी है इनकी जो सल्फाइड्स होते हैं कैडमियम सल्फाइड और मर्करी सल्फाइड, इनका जो रेडियस रेशियो है 0.52 से 0.55 यानी जिसका रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में होता है, तो इस कंडीशन में उनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होनी चाहिए, परंतु वास्तव में इनकी जो संरचना है वो कैसी है, चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ऑक्साइड्स हैं सल्फाइड्स हैं उनका जो रेडियस रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी ज्यामिति या संरचना नहीं होती है, तो ये इसमें लिमिटेशन है, जो कमियां हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब एक्सरे विवर्तन के आधार पर आयनिक एलाइडों का अध्ययन किया गया तो उसमें आयनों के जो इलेक्ट्रॉन अपर के चारों ओर समान रूप से विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो बंद की दिशा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, आयन विकृत हो जाने के कारण बंद में उस आयनिक करैक्टर के साथ साथ में कोवेलेंट करैक्टर सहसंयोजक गुण आ जाता है, और इस सहसंयोजक गुण आने से आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण नहीं हो पाता है, इसलिए जो धनायन की वास्तविक त्रिज्या का मान होता है वो प्रैक्टिकली जो हम प्रकलित करते हैं उस त्रिज्या से अधिक और ऋणायन की जो वास्तविक त्रिज्या का अनुपात होता है वो सैद्धांतिक मान से अधिक प्राप्त होता है। तो इस यूनिट के अंदर जो लास्ट टॉपिक था आपका रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो, अब जो आपकी ये जो सेकेंड यूनिट है इसमें किस तरह से एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बारे में हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।